मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो विथ नो मनी। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर आप लोगों के पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए अगर आप लोगों के पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी आप लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो मैं आप लोगों को सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है और सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप्स के थ्रू बताऊंगा, स्टेप बाई स्टेप। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लोगों को बिजनेस करना है, अगर आप लोगों को एक बिजनेसमैन बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और एक सही में अगर आप लोगों को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना है। ओके, अब क्यों बिजनेस जरूरी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज की तारीख में सब लोगों की जरूरतें इतनी बड़ी हो गई हैं, सब लोगों के सपने इतने बड़े हो गए हैं कि आज की तारीख में सब लोगों को अपने सपनों को पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और ज्यादा पैसा आप लोग कमा सकते हो सिर्फ बिजनेस करके। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि यार बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है, बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ, पैसा उसी की जेब में आता है जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो पैसा आपकी जेब में आएगा, अगर आप लोग बिजनेस की फील्ड में रिस्क ले रहे हो। लेकिन ये बातें तो बाय प्रोडक्ट है। अब अपन लोग बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। अपन लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा नहीं है। ओके, तो सारी रिसोर्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आप लोगों को अपना वाई क्लियर करना है कि आप लोगों को बिजनेस करना क्यों है। देखो, मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं बिना पर्पस के, सिर्फ भाग रहे हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा वाई क्या है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को अपना वाई क्लियर करना है। जब तक आपका पर्पस, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता कि आपको बिजनेस करना क्यों है, जब तक आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, तो फर्स्ट स्टेप है कि आप लोगों को अपना पर्पस क्लियर करना है और वाई क्लियर करना है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड स्टेप। आप लोगों को ये सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी बिजनेस की जर्नी में। वो सेकंड स्टेप है, अब आप लोगों को ये देखना है, ये चूज करना है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपको किस चीज का बिजनेस करना है। और मतलब आप बिजनेस जब करोगे तो किसी ना किसी चीज का करोगे, इसलिए आप लोगों को एक कोई बिजनेस आइडिया चूज करना है कि हाँ मुझे इस चीज का बिजनेस करना है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है ना, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बिल गेट्स कहते हैं, उस दुनिया के सबसे अमीर इंसान, ओके, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी। इसलिए आप लोग हमेशा एक बात याद रखना कि आपका बिजनेस चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन आपका बिजनेस ऑनलाइन भी होना चाहिए। ओके, आपके बिजनेस की कुछ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी ऑनलाइन भी होनी चाहिए, जब ये आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करेगा। और मेरी मानो तो आप लोग ऑनलाइन ही बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन अगर आप लोगों को ऑफलाइन करना तो ऑफलाइन करो, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हो, आपके ज्यादा चांसेस है कि आप लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके, तो अब आप लोगों को सेकंड स्टेप में एक आइडिया चूज करना है कि किस चीज का आपको बिजनेस करना है। ओके, और आपका बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे सोसाइटी की, और सोसाइटी के लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे बिजनेसेस खुले हैं, चल बिल्कुल नहीं पा रहे हो, कुछ महीनों के अंदर बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। तो आप लोगों को सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। और जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना आपके बिजनेस के थ्रू, तो सोसाइटी के लोग आप लोगों को पैसा पे करेंगे। तो ये फोकस आप लोगों को रखना है कि आपका बिजनेस ऑनलाइन भी होना चाहिए, कुछ कुछ ना कुछ आप लोग मतलब आप लोगों का बिजनेस कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। ओके, तो ये था सेकंड स्टेप। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थर्ड स्टेप, और वो थर्ड स्टेप है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीजों में। जैसे कि बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है मिस्टर सोनू शर्मा, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मतलब इस दुनिया में हर इंसान को हर चीजें पता, पर पता होने से कुछ नहीं होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन चीजों को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। जैसे कि ये तो हर चीजों को मतलब ये तो हर इंसान को पता है कि दारू पीने से और सिगरेट पीने से मतलब हेल्थ बेकार होती है, शरीर बेकार होता है, लेकिन लोग पीते हैं ना।
ये तो हर चीज, मतलब ये तो हर इंसान को पता कि सुबह घूमने से हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन कौन घूमता? कोई नहीं घूमता, ज्यादातर लोग घूमते नहीं है, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं बिस्तर पे। तो चीजें होने से कुछ पता नहीं, मतलब चीजें अगर आपको पता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप उन चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर आप लोगों के पास आपका बिजनेस आइडिया है, आपको ये पता है कि बिजनेस कैसे होता है, और आपके पास आपका बिजनेस आइडिया है, लेकिन आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे ना, तो आपका बिजनेस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फोर्थ स्टेप, और ये फोर्थ स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बिजनेस जर्नी में, और वो फोर्थ स्टेप है फंडिंग। क्योंकि बिजनेस अगर आप लोगों को करना है, आप लोगों को एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अपना बिजनेस को आप लोगों को अगर चारों ओर फैलाना है, तो पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोगों को पैसे पे फोकस करना है कि पैसा कहाँ से आ सकता है आपकी बिजनेस के लिए, जैसे कि कहीं से। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फोर्थ स्टेप, और वो फोर्थ स्टेप है फंडिंग, मतलब मनी। अब आप लोगों को अगर बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को चारों ओर फैलाना है, मार्केटिंग करनी है, अब आप लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करना है ना, तो उसके लिए आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो भी फ्री रिसोर्स है, आप लोगों को उन फ्री रिसोर्स को यूज करना है। जैसे कि कहीं से अगर कोई चीजें फ्री में हो रही है ना, तो आप लोगों को वो चीजें फ्री में यूज करनी है, उन फ्री चीजों को आप लोगों को यूज करना है। अपने घमंड में नहीं रहना है कि यार मुझे तो पैसा देके काम करवाना है, किसी से फ्री में काम नहीं करवाना है। अगर आप लोग इनिशियल स्टेज में हो, तो जहां से फ्री में कुछ मिल जाए यूज कर लो, अगर आपके बिजनेस के लिए वो चीज यूजफुल है। ओके, और सेकेंड चीज है क्राउड फंडिंग। आप लोग अपने फैमिली मेंबर से, आप लोग अपने फ्रेंड से कह सकते हो कि मुझे, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसा दे दो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, और आप लोग और कहीं से भी फंडिंग ले सकते हो, जहां जब आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग वीसी से आप लोग अपना फंडिंग ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिफ्थ स्टेप, और फिफ्थ स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप लोगों को, मतलब अब आप लोगों के पास आपका बिजनेस आइडिया है, आपका बिजनेस आइडिया कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपके पास फंडिंग भी है, आपने एग्जीक्यूशन भी हर चीजों को कर लिया। अब फिफ्थ स्टेप में आप लोगों को ये देखना है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अपना बिजनेस प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो, वो प्रोडक्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से बनाना है। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन शॉप बना रहे हो, किसी वेबसाइट, अगर आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो, तो ये फोकस करना है कि उस वेबसाइट का, उस ऐप का यूजर इंटरफेस अच्छा हो। अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर कोई होटल रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो ये देखना कि वो होटल और रेस्टोरेंट का एटमोसफेयर, एनवायरनमेंट अच्छा हो, अच्छी वाइब दे रहा हो। ओके, तो मतलब आप लोगों को फिफ्थ स्टेप में अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिक्स्थ स्टेप, और इस सिक्स्थ स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास आपका बिजनेस आइडिया है, फंडिंग है, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर कहते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट इस दुनिया में बेकार है अगर उसकी अच्छी तरीके से मार्केटिंग नहीं होगी। तो आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से मार्केटिंग करनी है, आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करना है 90%, बाकी 10% अगर आप लोग ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग 10% ऑफलाइन भी आप लोग मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन 90% आप लोगों को फोकस करना है डिजिटल मार्केटिंग पर। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेवेंथ स्टेप, और इस सेवेंथ स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के पास आपका आइडिया है, आपने उस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया, आपके पास आपका प्रोडक्ट है, आपने अच्छी तरीके से मार्केटिंग भी कर दी, अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सेल्स होने लगेगी। अब आप लोगों का जो भी प्रॉफिट आएगा, आप लोगों को अपने प्रॉफिट का आप लोगों को री इन्वेस्ट करना है, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट आए उसको आप लोगों को री इन्वेस्ट करना है अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने पर। ओके, अब आप लोगों को पता क्या करना है, कभी भी आप लोगों को पता सेटिस्फाई नहीं होना है कि यार मैंने ये चीज कर दी, अब मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ। जितनी ज्यादा हो सके चीजों को अपडेट करो, अपने आप को अपडेट करो, अपने बिजनेस को अपडेट करो, अपने प्रोडक्ट को आप लोग अपडेट करो, अपनी नॉलेज को आप लोग अपडेट करो, हर चीजों को अपडेट करते रहो। ठीक है, अगर आपने ये सोचा ना कि अब ये चीज फिक्स हो गई है, तो उस दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए चीजों को अपडेट करते रहना, अपना लेवल बढ़ाते रहना, क्योंकि बिजनेस का रूल यही है। ओके, वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी स्टेप बताए हैं, अगर आप लोगों ने स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया आप लोगों ने अपनी लाइफ में और अपनी बिजनेस वाली जर्नी में, तो आप लोगों का बिजनेस 100% सक्सेसफुल होगा, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्टेप मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं, एनफ है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक स्टेज तक। लेकिन मैं आप लोगों को एक वीडियो और बना के और चीजें भी बताऊंगा, मतलब इस वीडियो का मैं पार्ट टू भी बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। पार्ट टू में आप लोगों को और आगे की चीजें बताऊंगा कि कैसे आप लोग आगे चीजें कर सकते हो
लेकिन जो इतने भी मैंने आप लोगों को स्टेप बताए हैं इनफ है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जितने भी स्टेप बताए हैं आप लोग इन स्टेप्स पे फोकस करो, और जितना मैंने आप लोगों को स्टेप बताए हैं उतनी तो चीजें आप लोग करो। बाकी जब तक आप और चीजों को जब तक एग्जीक्यूट करोगे, तब तक मैं एक और नई वीडियो लेके आ जाऊंगा पार्ट टू इसी वीडियो का, तो उसमें आप लोगों को मैं और चीजें बताऊंगा। जब तक आप इन स्टेप्स को फॉलो करो अच्छी तरीके से, और ये वीडियो ने आप लोगों की लाइफ में अगर छोटी सी भी वैल्यू क्रिएट करी हो, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए थैंक यू, और दिल से बोल रहा हूँ। ओके।